स्पोर्ट्स बाइक्स यूथ का वो शौक है जो हम बचपन से देख रहे होते हैं, और ये स्पोर्ट्स बाइक इलेक्ट्रिक वर्जन में भी तैयार है। मैटर एरा की अलग हाइप है और अब ऑक्सा मेंटिस। तो आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस बाइक के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सबसे पहले। तो वेलकम टू ऑटो इन्फो, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बैंगलोर बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑक्सा एनर्जी ने अपना डिजाइन और डेवलपमेंट फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कर दिया है, और इस इनॉग्रेशन के मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सा मेंटिस को जल्द ही वो लोग लेकर आएंगे। तो ऑक्सा एनर्जी का जो न्यू फैक्ट्री है, यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ असेंबली स्टेशन, बैटरी असेंबली लाइन और प्रोडक्शन के लिए अलग अलग फैसिलिटीज दी गई है। एज ए रिजल्ट कंपनी प्रोडक्शन के अलावा इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ही जगह पर कर सकती है, और इससे कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। हालांकि कंपनी ने अभी तक ये रिवील नहीं किया है कि प्रोडक्शन की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी। और अब अगर बात करें इनकी इलेक्ट्रिक बाइक ऑक्सा मेंटिस की, तो इस बाइक को इंडिया में इंडिया बाइक वीक 2019 में दिखाया गया था। उस समय का स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसका जो मोटर है वो 28 वाट का मोटर बताया गया था, और बैटरी पैक उस समय 9 किलोवाट आवर का लगा हुआ था, और फुल चार्ज होने पर 200 किलोमीटर की शानदार रेंज ऑफर करता था। साथ ही इस प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बाइक में पोर्टेबल बैटरी लगी हुई थी, जबकि प्रोडक्शन यूनिट बाइक में फिक्स बैटरी के साथ लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी आपको मिल सकती है। तो ये था 2019 की बात, और अब चल रहा है 2023। तो इतने साल बाद काफी ज्यादा अपग्रेडेशन और चेंजेस आपको इस बाइक में देखने को मिल सकती है, और माना ये जा रहा है कि इस बाइक का सीधा कंपटीशन होने वाला है अल्ट्रा वायलेट F77 से। यहाँ पर अगर हम लोग स्पोर्ट्स बाइक की बात करते हैं तो यहाँ पर डायमेंशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस इलेक्ट्रिक बाइक का जो व्हील बेस है वो 1470 mm का आपको मिल जाती है। सीट हाइट यहाँ पे 810 mm रखा गया है, और कर्व वेट इस बाइक का है 175 kg, और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 100 mm यानी 100 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में मिलने वाली है। चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो फास्ट चार्जिंग से इस बाइक को 0 to 100% सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर चार्ज किया जा सकता है, और नॉर्मल चार्जर से 4 घंटे में आप इस बाइक को फुल चार्ज कर पाएंगे। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन पहले के यानी 2019 के अकॉर्डिंग थे। अब 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी ही बताएगी कि क्या क्या अपग्रेडेशन वो इस बाइक में करने वाली है। तो जैसे ही कंपनी रिवील करेगी, इस चैनल में आपको सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप कितने एक्साइटेड है ऑक्सा मेंटिस के लिए, कमेंट पे जरूर बताइए, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।